यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बहादुरगढ़ पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब पुलिस ने बादली और बुपनिया गांव में लाखों की चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दोनों चोर उसी गांव के हैं जिस गांव में उन्होंने चोरी की है। बुपनिया गांव में 3 मई की रात को एक मकान में चोरी हो गई थी। आरोपी चोर घर से सोने चांदी के आभूषण समेत करीब 43,000 रुपए भी चुरा कर ले गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुपनिया के ही रोहित उर्फ कुकू को डाबौदा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह बादली गांव में मोबाइल की दुकान से 10 मोबाइल और लैपटॉप भी चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने उस मामले में भी तुरंत कार्रवाई करते हुए बादली गांव के ही आरोपी दीपक उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ये हमारे दो चोरी के मामले थे। एक 281 नंबर FIR थी बनिया की, तो इसमें एक मुलजिम ने सोने चांदी के काफ़ी सारे गहने और कैश जो था वो चोरी किया था, तो उसमें 43,000 रुपये उसने लिए थे, 42,000 रिकवर हो गए। और बाकी जो सोने चांदी के आभूषण थे उसमें भी काफ़ी सारी रिकवरी हमारी हुई है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और दूसरा हमारा 279 नंबर मुकदमा था, ये भी चोरी का था। इसमें लैपटॉप मोबाइल वगैरह मोबाइल की दुकान से इन्होंने चोरी किए थे। इसमें एक मुलजिम पहले अरेस्ट किया जा चुका था और आज हमने एक और मुलजिम जो दूसरा है उससे अरेस्ट किया है और इसमें हमारे लैपटॉप और मोबाइल रिकवर हुआ है।